गाइस, तो ये है रानी डांसर मैम जी का स्टूडियो, जो पहले कोरोना के टाइम में यहाँ पे डांस शूट वगैरह करती थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका फोटो वगैरह सारा लगा हुआ है। एक एक फोटो मैं आपको दिखा दूँ। चलो भाई, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं रानी डांसर जी के घर। तो ये पीछे देख सकते हैं, ये है रानी डांसर जी के घर। तो भैया से मिलेंगे अभी। रानी डांसर जी मैम जो है वो आई नहीं है, वो रक्षाबंधन में आएंगी, तो उनका वीडियो उनसे मिलकर बनाऊंगा, ठीक है? तो अभी चलते हैं घर पे। भैया को काफी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमें सक्षम समझे और मुझे यहाँ पे बुलाए। तो थैंक यू सो मच भैया जी, और प्लीज बुलाइएगा जब मैम जी, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और उनसे काफी ज्यादा मिलने के लिए उत्सुक हूँ। अच्छा, तो अभी भैया उनका एक न्यू सॉन्ग आया है लगभग एक हफ्ते पहले, जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है यूट्यूब पे। लगभग कल ही मैं देखा था तो 10 मिलियन था। तो आपको आपका क्या रिव्यू है इस पे? अब क्या रिव्यू, क्या इतना मालूम, तो यहाँ पे रहते हैं। आपको सॉन्ग कैसा लगा सुन के? जैसे सॉन्ग का तो बहुत अच्छा है, बहुत हम का सॉन्ग निकला है जी के साथ। YouTube पे काफी ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। 10 मिलियन का कल ही मैं देखा था तो 10 मिलियन व्यू था उसपे। एक्चुअली जब डांस वो मैम स्टार्ट करने लगे, तो जैसे हम लोग को कोई डांस करने लगता है तो माँ बाप कुछ मतलब उस पर क्या रिस्पॉन्स उनका रहता है? माँ बाप मतलब उनका कोई रोक टोक तो नहीं था? नहीं, घर पे कोई रोक टोक नहीं। घर से फुल सपोर्ट था। यानी गाइस, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं तो पहले तो इजाजत ले लीजिए अपने माँ बाप से कि मैं ये करना चाहता हूँ, इसमें मैं सक्षम हूँ, ताकि उनका फुल सपोर्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई बिगनर यूट्यूबर रहता है तो वो चैनल जब स्टार्ट करता है तो छुप छुप कर वीडियो बनाता है। तो ऐसा अगर आप करोगे तो घर से सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो अपने माँ बाप को बताइए कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट वगैरह है, ठीक है? तो आप पहले उसको माँ बाप को आप बता दीजिए, एंड देन ही कोई भी काम करिए। जैसे रानी डांसर वगैरह थी तो और भी, जैसे खेसारी लाया तो पहले स्टेज शो करते थे, तब जाके धीरे धीरे मतलब हायर लेवल पे पहुंच गए और आज हीरो हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहिए, मतलब आपका क्या नाम है? आप लोग मतलब कितने भाई है, एक बहन है, एक मौसी की लड़की के साथ में रहते हैं। अपना जर्नी कैसे स्टार्ट किया? कि वो जन्मस्थल तो उनका यही है, तो कैसे कहाँ पढ़ी और कैसे इतना उच्च स्थल पर पहुँची, इसके बारे में कुछ पहले पढ़े स्कूल में। उसके बाद वहाँ से डांस करने लगे, दसवीं क्लास में। हाँ, डांस में था, डांस में स्कूल तो मऊआ चैनल में गए थे, डांस में डांस में गए थे। गोरखपुर का स्टेज हुआ तो वहीं से सिंगर से लड़की थी, उनको दिल्ली बुला के उनका मैं बहुत सारा वीडियो देखा हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, उनका डांस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और भी कई हीरो के साथ उनके साथ डांस करने का मतलब पॉप सॉन्ग वगैरह होता है, तो किसी मूवी में उनको मौका मिला था क्या? नहीं, मूवी नहीं करते डांस ही गाना डांस नहीं। खेसारी लाल यादव वगैरह के साथ मैंने देखा था, एक गाने में देखा था, तो अन्य मतलब खेसारी लाल यादव जी हैं और चिंकू जी हैं, उन लोगों के साथ मैंने डांस देखा था, काफ़ी अच्छा लगा था। A few moments later. तो गाइस, मैं अभी घर आ चुका हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रानी डांसर के जो भाई थे उनका नाम है अजय, तो उनसे काफ़ी सारे बात हुई थी। बट इस मोबाइल से जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो ये मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है। ऑटोमेटिक मतलब इसका टच काम करता है, तो मैं रिकॉर्ड करके लगा दिया था स्टैंड पे, बट जो ये रिकॉर्डिंग हो रहा था हमें लग रहा था हो रहा था, बट ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। और एक जो ये माइक है, ये भी माइक ख़राब हो चुका है। तो रानी डांसर जो मैम है वो आएंगी रक्षाबंधन में, तो उनसे मिलकर वीडियो बनाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।